घुमारवीं सिरखट पर बनाया गया पुल बेशक काफी साल पुराना है, पर बारिश के पानी में पुल तालाब का रूप धारण कर लेता है और राहगीरों की पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। पुल पर पड़े हुए गड्ढों में दो पहिया वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है तथा गाड़ियां भी हिचकोले लगाकर ही चलती हैं। इस पुल से होकर हर रोज एसटीएम की गाड़ी दिन में कम से कम 6 बार रोज गुजरती है। प्रशासन इन गड्ढों को देखकर भी अनजान बना हुआ है तथा किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार कर रहा है। डबल लेन का कार्य कर रही कंपनी के बड़े बड़े वाहन भी इस पुल से होकर गुजरते हैं। कंपनी ने कुछ समय पूर्व ही बाजार में सड़क की टायरिंग की थी तथा एनएच के अधिकारी भी उस समय मौजूद थे। तब लगता था कि अधिकारी पुल की भी टायरिंग करवाएंगे। अधिकारियों के द्वारा पुल पर टायरिंग नहीं करवाई गई और गड्ढों को सिर्फ मिट्टी से भरकर अपना पल्ला झाड़ दिया गया, जो बारिश होने के कारण बह जाती है तथा पानी की निकासी भी पुल पर बंद हो जाती है और पुल तालाब का रौद्र रूप धारण कर लेता है। पुल पर पानी की निकासी बंद होने से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ती है तथा पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों विकास चौहान, रंजीत ठाकुर, मनोज शर्मा, बलवीर सिंह इत्यादि ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि पुल पर कंक्रीट डलवाकर गड्ढों को भर दिया जाए। एसटीएम शशिपाल शर्मा ने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पुल व आसपास सड़क पर पड़े गड्ढों को कंक्रीट डालकर भरा जाए, जिसमें आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। 2 साल से रोड का कार्य चल रहा है, लेकिन विभाग जो है लिपट होते कर देता है, गड्ढों को मिट्टी से भर देता है। उनका आप हाल देख रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियों को क्या पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। ये जी घुमारवीं पुल के ऊपर जो है बहुत गड्ढे पड़े हुए हैं और प्रशासन जो है इसमें मिट्टी डालता है, जो कि बारिश से दूसरे तीसरे दिन बह जाती है और इसमें जो है 2 व्हीलर के जो है एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। इससे किसी की जान जा सकती है, तब प्रशासन जागेगा।